हेलो दोस्तों, मैं एम कुमार फ्रॉम काटक्लूज.com से आप लोगों को इस चैनल में द्वारा स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि मैं एवरीडे नए नए वीडियो के साथ आपके पास आता हूं, जो कि नॉलेज और एंटरटेनमेंट के बेस पर बना होता है। तो दोस्तों, जस्ट मेरा एक सिंपल सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड और इंटरटेनमेंट बेस्ड है, बेस्ड पे बना हुआ है। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ आप शेयर करना मत भूलें, आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और लाइक भी करें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने हेडिंग में दिया कि आप कर्सर, जो एक कर्सर मूव हो रहा है, इसके स्पीड कैसे मैं स्लो और हाई करूं, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, आपको कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल खोलोगे आप, या तो यहां से चल जाइए, नहीं तो फिर एप्लीकेशन में जाके खोल दे, कंट्रोल पैनल खोलिए आप। कंट्रोल पैनल खोलने के बाद आपको हार्डवेयर इंस्टॉल में जाना है। जैसे कंट्रोल पैनल आप खोले, उसके बाद में उसके अंदर प्रोग्राम, हार्डवेयर इंस्टॉल, नेटवर्क, इंटरनेट, सिस्टम, सिक्योरिटी, यूजर अकाउंट, अपेयरेंस, पर्सनलाइज क्लॉक, रीजन, एजी, ये सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से आप हार्डवेयर इंस्टॉल में जाइए। किसी भी विंडो, कोई भी विंडो, XP, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, जो भी हो, उसमें आपको इस पर जाना है। जाने के बाद आप देखिए कि डिवाइस एंड प्रिंटर के अंदर एक माउस का ऑप्शन है, आप माउस पे क्लिक कीजिए। इसके बाद में देखिए, यहाँ पे माउस पे क्लिक करने के बाद ये विंडो खुल करके आएगा। इसमें सारे ऑप्शन हैं। इन सारे ऑप्शन पे आपको क्या करना, किसी पे नहीं जाना, आपको पॉइंटर ऑप्शन पे जाना। आपको किस पे जाना, पॉइंटर ऑप्शन पे जाना। अब पॉइंटर ऑप्शन पे जाना, ये देखिए फास्ट और स्लो को ए बटन है। अब देखिए, मैं फास्ट इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए कितना फास्ट चल रहा, ये आप देख रहे हैं, जितना मूव करो बहुत फास्ट चल रहा। और इसको मैं स्लो करता हूँ, अब देखिए उतना ही स्पीड से माउस घुमा रहा हूँ जितना स्पीड से मैं उस समय घुमा रहा था। लेकिन इसका स्पीड देखिए क्या है। अब मुझे उस ऑप्शन तक ले जाने में इस माउस को कम से कम बहुत देर तक घसना पड़ेगा। अब देखिए, ओ ओ ओ ओ, हाँ पहुँच गया। अब देखिए ये जो है, अब देखिए यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर दिया, अब देखिए ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से क्या कीजिए आप, या तो पूरा फास्ट कर लीजिए, पूरा स्लो कर लीजिएगा तो फिर परेशानी होगी आपको, या तो आप मीडियम रखिए जो ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट आता है पीछे से, ठीक है। और देखिए, आप देखे होंगे एक ऑप्शन होगा इसमें, ए देखिए, आप कभी देखते होंगे माउस में। अब इसको जैसे क्लिक कीजिएगा, डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेलर, ए देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। लेकिन मुझे यूज नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको हेडिंग में दिया नहीं था। बहुत सारे फंक्शन हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में डिटेल से आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो बहुत ज़रूरी है, वो तो करना ही है, कोई वो तो करना ही पड़ेगा आपको। तो थैंक यू फॉर माय ट्यूटोरियल।